मेरे बेटे के पास वो बेचारा तो कमा के, वो डिजाइनर है, काम करता है और खाता है, उसको क्यों लाते हो उसको? मीडिया मेनस्ट्रीम में चला है नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं देखी मैंने, आप ही कह रहे हैं। सर, अगले साल लोकसभा चुनाव है, क्या देख रहे हैं, बीजेपी का भविष्य कैसा लग रहा है? मैं तो विश करता हूं उनको ठीक रहे, पर कुछ राजनीति का और चुनाव का कोई पता नहीं होता क्या होगा। जो मौजूदा परिस्थितियाँ उसमें क्या लग रहा है? मौजूदा परिस्थितियाँ उनके लिए कठिन है, उनको कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा। एक तो अडानी वाला मामला जो है, उससे प्रधानमंत्री को हाथ धोने पड़ेंगे। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है, पार्लियामेंट में भी वो बोले तो अडानी पे नहीं बोले हैं। उसको अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और ये पुलवामा पे भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक्शन, अगर कोई जाँच हुई है तो एक्शन लेना चाहिए। सवाल सर, आप सुरक्षा को लेकर भी कई बार बता चुके हैं कि आपकी सुरक्षा को लेकर। मेरी सुरक्षा कश्मीर की जो कमेटी होती है, उन्होंने लिखा था कि इनको यहाँ खतरा है, पाकिस्तान के एलिमेंट से भी, लोकल से भी, और इनको जेड प्लस सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास अब एक, सिर्फ एक वो है PSO, दैट्स ऑल। पर मैं उसकी शिकायत नहीं करता, वो समझेंगे बड़ा मैं डर गया। मरना तो इंदिरा गांधी तो सारी सिक्योरिटी के बीच में मर गई थी, कि मरना होगा मर जाएंगे। जातिगत जनगणना के बारे में, जातिगत जनगणना जनगणना जरूर होनी चाहिए, होनी चाहिए। सर, एक सवाल मेरा भी, आप ये जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें आपने कहा था कि मेरी जाति और मेरी कौम के लोग अगर बीजेपी ने मुझे मरवा दिया तो वो सभाएं नहीं करने देंगे, इसके बारे में क्या? मुझे अपनी कौम पे फख्र है, वो अगर मेरे साथ जाति होगी तो वो ज़रूर रिएक्ट करेंगे। किसान आंदोलन जैसा मूवमेंट दोबारा बीजेपी के सामने आ सकता है, ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट जो लंबा मूवमेंट चला था और सरकार बैकफुट पे आई थी? आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ हो रहा है देश में? ना, मुझे अभी नहीं लगता, लेकिन होगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, साथ रहूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। को लेकर जो कमेटी बनी थी वो आज तक नहीं बनी थी? वो जो कमेटी बनी थी उसका अध्यक्ष वो आदमी था जिसने काले कानून ड्राफ्ट किए थे, तो इसी वजह से किसान संगठन उसमें गए ही नहीं। और उस कमेटी ने मुझे लगता अभी तक कुछ नहीं किया, लंच भी नहीं किया किसी दिन, कोई एक्टिविटी उसकी नहीं आई है। इसके माने सरकार की नीयत MSP पे ठीक नहीं है, और अगर MSP का उन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो उनको कठिनाई होगी। जी सर, आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।